नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक सक्सेना, एडिशनल डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से। COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ज्यादातर ये रोग हम लोग देखते हैं स्मोकर्स या जिनका धुएं या इरिटेंट से ज्यादा एक्सपोजर रहता है काफी लंबे समय में। 5 बिंदु जिसको हमें फोकस करना है। पहला चीज, अगर आप स्मोकिंग करते हैं या धुएं से एक्सपोजर है, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, चूल्हा जलाते हैं, तो आप उस चीज से आप बिल्कुल बचें, नहीं तो ये आपका सांस को सिस्टम को काफी हद तक बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। दूसरा पॉइंट, आप अपना जो सीजन चेंज होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, उसमें भी अपनी सेहत का ध्यान रखें। N95 मास्क या प्यूरीफायर का इस्तेमाल करके आप अपने आप को पॉल्यूशन से बचा सकते हैं, नहीं तो पॉल्यूशन भी सांस के रोग को काफ़ी हद तक बढ़ाने का काम करता है। तीसरा बिंदु, बहुत ज़रूरी है अपना वैक्सीनेशन के बारे में अपने डिस्कस करें अपने डॉक्टर से। फ्लू और न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन से आप जो सीजन चेंज होने वाले इन्फेक्शन हैं, फ्लू वायरल, इनसे काफ़ी हद तक बच सकते हैं, जो कि कई बार इतनी ज़्यादा सिचुएशन कर देते हैं, निमोनिया बन जाता है, पेशेंट को हॉस्पिटल या ICU के में एडमिट करना पड़ जाता है। चौथा पॉइंट, बहुत ज़रूरी है आप अपनी दवाएं बिल्कुल समय पे लें, उनको आप रोके नहीं। इनहेलर्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं और टाइम टू टाइम चलना बहुत ज़रूरी है, जैसे उनके डॉक्टर ने आपके शेड्यूल में बताया। पांचवा पॉइंट, बहुत ज़रूरी है अपने सिम्टम्स को स्वचिकित्सा या सेल्फ ट्रीट ना करें। अगर कोई सिम्टम्स हैं, खांसी, बलगम में पीलापन, सांस फूलना, उसको आप नज़रअंदाज ना करें, इन्फेक्शन के सिम्टम्स हो सकते हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करके सही तरीके से उसका एंटीबायोटिक वगैरह का सेवन करेंगे तो आप इस मुसीबत से काफ़ी हद तक कंट्रोल में रह सकते हैं। धन्यवाद।